जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आज मैं जो आज आपसे बात करने वाली हूँ, जिस विषय पर, बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही अहम जानकारी जो आप सभी को होना चाहिए। मैंने एक वीडियो के बाद कमेंट्स पढ़ रही थी कल, मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिले जिससे मुझे बहुत अंदर अंतर मन मेरा टूट गया। बहुत लोग परेशानी में होते हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, जिसमें धन एक ऐसी वस्तु है कि धन जिसके पास होता है वह स्वयं शक्तिशाली हो जाता है। उसके पास सब तरह की पावर होती है। पैसा बहुत बड़ी, आज के समय में पैसा बहुत बड़ी वस्तु है। यदि पैसा आपके पास है, धन आपके पास है, तो आपको सम्मान मिलेगा। पैसा आपके पास है तो आपको रिश्ते मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे। यदि आपके पास धन की कमी है, पैसा नहीं है, तो आपके अपने भी आपसे दूर चले जाएंगे। ये बिल्कुल 100% बात सच है। ये जिसके ऊपर गुजरती है वही व्यक्ति जानता है कि धन की कमी क्या होती है और वह दिन कैसे निकालता है, ये वही समझ सकता है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ गुरुवार के दिन की, बहुत ही श्रेष्ठ। आप जानते हैं, आपने इस कहावत को तो अवश्य ही सुना होगा कि पैसा हाथ का मेल होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप हाथ में से मेल निकालेंगे वो पैसा बन जाएगा, लेकिन जो कहावत है कहीं ना कहीं सच्चाई पर ही बनी होती है। आप एक और बात अच्छे तरीके से समझें, आपकी हथेली में सारे पर्वत हैं, सारे जो ग्रह होते हैं, गुरु पर्वत, शुक्र पर्वत, बुध पर्वत, मंगल ग्रह, सारे आपकी हथेली में हैं। आप जब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहते हैं कि धन कमाने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे हाथ होते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में ही इतनी शक्ति होती है जो जो चाहे कार्य कर ले और जितना चाहे धन कमा ले। लेकिन हाथों से ही नहीं किया जा सकता, कुछ भाग्य का भी होना हमारे साथ जरूरी है। आपने एक और, मैंने अपने शायद पहले वीडियो में बताया भी होगा कि आप यदि किसी समस्या से बहुत दिनों से परेशान हैं, कोई ऐसी समस्या जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, आपको लगता है कि शायद आपके किस्मत में ही, भाग्य में ही कोई कमी है, तब थोड़ा सा गुड़ अपनी हथेली पर रखें और गौ माता को आप अपने हथेली पर गुड़ लगकर खिलाएं। जब उसकी जीभ हमारी हथेली पर पड़ती है, यदि हमारी रेखाओं में, हथेली की रेखाओं में कुछ कमी होती है, वह भी अच्छी होने लगती है। कुछ बुरा, हमारी हथेली में जो रेखाएं अच्छी नहीं हैं, वह भी अच्छी हो जाती हैं। इसी प्रकार मैं आज जो बात बताने वाली हूँ, बहुत ही साधारण सी बात है, और लेकिन ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये आपने आज तक सुना भी नहीं होगा और जाना भी नहीं होगा, और हो सकता है अनजाने में कार्य आप करते भी होंगे, लेकिन इसकी सच्चाई अभी तक आपको नहीं मालूम होगी। यदि नहीं मालूम है तो आपके लिए जानना आवश्यक है। हमारी किस्मत का, हमारे भाग्य का कनेक्शन बहुत हद तक हमारी हथेली की रेखाओं पर डिपेंड करता है, और जो ग्रह होते हैं सभी हमारी हथेली में होते हैं। गुरुवार के दिन आपको ऐसा लगता है आपके पास धन की कमी है या कोई बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, यदि नहीं भी गुजर रहे हैं तो आप एक कार्य अवश्य कर देखना। आपको जब भी समय, दिन भर में जब भी समय मिले, लेकिन आप इस कार्य को करते समय अपने आप को स्वच्छ अवश्य करेंगे, हाथ पैर अवश्य धोना है, और एक बूंद सरसों का तेल या तिल का तेल अपनी हथेली पे डालें, चुटकी भर हल्दी अपनी हथेली पे डालें, और हथेली को, आपस में दोनों हाथों की हथेलियों को लगातार कम से कम 5 मिनट तक रगड़ते रहें। कहते हैं इससे भाग्य की रेखाएं तक प्रबल हो जाती हैं। जो हमारे नसीब में नहीं होता और जो हमारे मन में होता है वह भी हमें मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे हाथ में, और कहते हैं हाथ में सिर्फ हमारे भाग्य की रेखा ही नहीं होती, हमारे ग्रह ही नहीं होते, सारे देवी देवताओं का वास भी हमारी हथेली में होता है। आपको ये बात तो जानकारी में होगी ही कि जब
आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पाए, नहीं है तो मैं बता देती हूँ, आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, आप अपने हाथ में ही अंगूठे को शिवलिंग मानकर उन पर 3 बार, यदि गंगा जल है तो गंगा जल, नहीं तो जल जो भी आपके पास स्वच्छ जल है उससे आप 3 बार ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ा देते हैं, आपका वह अभिषेक भगवान शिव तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारे हाथों में सारे देवी देवताओं का वास। आप सुबह उठकर जब हथेली दर्शन करते हैं तो आप उस मंत्र को आपने सुना होगा और जानते भी होंगे, उसमें सरस्वती भी हमारे हथेली में ही है, लक्ष्मी भी माँ हमारी हथेली में ही है और भगवान कृष्ण का वास भी हमारी हथेली में ही है। 33 कोटि देवी देवता हमारी हथेली में निवास करते हैं और कई सेलिब्रिटियाँ जब एक दूसरे से मिलती हैं या आपके सामने टेलीविज़न पर कोई परफॉर्मेंस देती हैं तो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते रहते हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक होती है, आपकी शारीरिक स्थिति ठीक होती है, साथ ही आपका भाग्य प्रबल होता है, सामने वाले पर आपका इम्प्रेशन पड़ता है, जो बात आप कह रहे हैं सामने वाला यकीन करता है, विश्वास करता है, मानता है और आपका सम्मान करता है। ये तो सब बात की बातें हैं लेकिन आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाता है कि आप धन के मामले, सिर्फ आपको करना ये है कि जरा सा तेल और हर गुरुवार, प्रति गुरुवार करें, यदि कर सकते हैं तो आप, बल्कि मैं तो ये कहूँगी पूरे माह करें, जब भी आपको समय मिले आप अपने हाथों को स्वच्छ जल से धोएं और उसके बाद चुटकी भर हल्दी, उसमें थोड़ा जरा सा सरसों का तेल डालें और हथेलियों को आपस में रगड़ते रहें कम से कम 5 मिनट, यदि इतनी देर नहीं रगड़ पाते हैं तो 2 मिनट से शुरुआत करें और यदि प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं तो आप गुरुवार की गुरुवार आप यह कार्य अवश्य कर देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जो भी आप मन में कामना लेके कर रहे हैं ये कार्य, वह मन में कामना करें और यह कार्य बैठ कर करें, उस समय अपने इष्ट को याद करते रहें, जो भी आपके इष्ट हों, जिसको भी आप मानते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इस समय गुरु देव को याद करें या कोई विशेष भगवान को याद करना है, जो भी आपके इष्ट हैं उस, क्योंकि ये बिल्कुल 100% बात सच है कि 33 कोटि देवी देवता आपकी हथेली में निवास करती हैं। अब उस समय जिस भी देवी देवता को मन में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, वही देवी देवता आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन विशेष करके यह उपाय इसलिए बताते हैं क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान गुरु का दिन होता है और जब आप यह कार्य करते हैं तो चुटकी भर हल्दी हथेली में डालकर और थोड़ा सा तेल डालकर हथेलियों को रगड़ते हैं, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आप पर पूरा अपना आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। इसके साथ ही मैं एक बहुत अच्छी टिप्स देना चाहूँगी, यदि आप यह कर रहे हैं इससे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन आप और भी अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें अपने उपाय का 100% मिले, तो आप जो पीली सरसों के दाने होते हैं 2-4 अपनी हथेली में डाल लें हल्दी और तेल के साथ, उसके बाद दोनों हथेलियों को लगातार रगड़ते रहें, जितनी देर आप रगड़ सकते हैं रगड़ें और फिर उसके बाद उन सरसों के दानों को आप किसी वृक्ष के नीचे या बहती नदी में प्रवाहित करवा दें, जल में प्रवाहित करवा दें। वैसे प्रतिदिन नहीं जाना संभव हो पाता है, यदि नहीं जाना संभव हो पाता है तो आप किसी वृक्ष के नीचे भी डाल सकते हैं, अपने घर में पौधों में भी डाल सकते हैं, कोई इसका दोष नहीं है, कर देखना, यह उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ ही मैं एक और उपाय बताती हूँ, आप गुरुवार के दिन तुलसी जी में हमेशा कच्चा दूध अवश्य समर्पित करें, उसके बाद जल समर्पित करें, माँ लक्ष्मी आपके हमेशा साथ रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर बना रहेगा। आप हथेली में जो हल्दी और तेल डाल के हथेलियाँ मसलने का जो मैंने उपाय बताया है, हथेलियाँ रगड़ने का जो उपाय बताया है, आप एक बार अवश्य कर देखना। यह उपाय अवश्य छोटा सा है लेकिन इसे करते समय आप मन में श्रद्धा अवश्य बनाए रखें, विश्वास अवश्य बनाए रखें कि आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं आपका वह कार्य पूरा होगा ही होगा, तो आपको अवश्य 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।